welcome back to MJ Vlogs, another video. Hope you guys are doing well and staying safe. So guys, प्यार शहर सवारी कहाँ को चली, सवारी कहाँ को चली. तो हम जा रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल. हम मतलब मैं और मम्मा, मम्मा अपनी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, जा इकट्ठे ही रहे हैं. और भी मम्मा की फ्रेंड की सिस्टर भी जा रहे हैं, मतलब आज लेडीज हैंग आउट होने वाला है इनका. और हम अक्षरधाम टेम्पल जा रहे हैं. वहां पे मैं 10 ईयर्स पहले गई थी तो मेरे को कुछ याद नहीं है वहां का, बट मम्मा बताते हैं कि वहां पे बहुत अच्छी, मतलब आर्किटेक्चर बहुत अच्छा हुआ, इंटीरियर काफी अच्छा है वहां का. मेरे को जहां तक लगता है वहां पे वीडियोस नहीं बना देते अंदर. तो अगर वीडियोस बनाने देंगे ठीक है, नहीं बनाने देंगे हम छुप के बना लेंगे वीडियोस, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत अगर बना सकेंगे तो. और ये है मेरी आज की लुक, चेक कर लो गाइज और कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ. गाइज अच्छे अच्छे कमेंट्स मार दो. कमेंट्स नहीं करते हो आप, लाइक्स तो कर लेते हो, कमेंट्स नहीं करते हो. तो हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है अभी तक, जाकर फटाफट देख लो. और अब हम लेट हो रहे हैं, हमें फोन आ रहे हैं, हम जा रहे हैं बाय. सो गाइस घर से हम निकल चुके हैं, हमारी सवारियां खड़ी हैं बाहर और वो मुझे गाली पे गाली दे जा रही हैं. उधर खड़े हैं, मैं आपको मिलवा देती हूँ कौन कौन जा रहा है हमारे साथ. आ गई, ये रही हमारी सवारियां, ये रही दूर दूर से हमें गालियां दे रही हैं कि कितनी देर लगाओगे. और मैं यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए खड़ी थी. तो चलते हैं गाइस और फिर मिलते हैं आपको. हे सेक्सी लेडीज, हाय हाय जब जी, सत श्री अकाल, कैसी है? बढ़िया. ये देखो हमारी हॉट हॉट लेडीज जा रही हैं हमारे साथ. Hello. और ये रही हमारी एक और हॉट लेडी, शी इज कैमरा शाय. तो चलो अब चलते हैं, लेट हो गया. मम्मा अपना हैंकी भूल गए थे आ रहे लेके. चलो चलते हैं. लो एक रिक्शे में 6-6 जने लोड हैं. ये देखो इन्होंने जाना भी एक ही रिक्शे में था. और ये देखो सारे दबड़ भर के बैठे, भर भर के. इसी चीज में तो मजा है. हाँ, ये देखो इसी चीज में मजा है. इसी लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए एक बार. बिल्कुल, रिक्शे का एक्सपीरियंस लेना चाहिए. 6-6 बंदे एक ही रिक्शे में बैठने चाहिए, बैठने चाहिए, बैठने चाहिए. कभी कभी ऐसे निकलना चाहिए फ्रेंड्स के साथ. ये देखो जब पलटे ही रहता तो सारा कुछ निकलेगा. चलो जी, चलो एंट्री हो गई. ये देखो सारी संगतें आगे जा रही हैं. चलो चलो चलो, भाग जाओ, भाग जाओ फटाफट. मम्मा सबसे आगे ऐसे ही चल रहे जैसे सारा सारे रास्ते पता है इनको. चलो ये हम चल रहे हैं पीछे, मैं और हम जाकर मिलेंगे अब आपको. ये बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा मेट्रो स्टेशन पे. चलो जी. देखना जरा मेट्रो में भी मेकअप चल रहा है इनका. वीडियो बनानी थी ना, बनाओ आओ. बिल्कुल मेट्रो में मेकअप चल रहा है इनका. क्यों ब्लॉग में तो सब डलेगा, ब्लॉग में तो सब डलेगा. तो मुझे कुछ कंटेंट मिलेगा ऑब्वियसली, मैं कैमरा ऑन करूंगी ना. अबे स्लो बोलो थोड़ी यार. यस वो तो आती नहीं है. सेल्फीज, मॉम सेल्फीज भी लाइक. सो गाइज वी आर फाइनली पहुंच गए हैं. अरे कहना क्या चाहते हो? ये मेट्रो स्टेशन में पोस्टर लगे हैं, ये मुझे बता रही है कहाँ कहाँ वीडियोस ऑन करनी है, कहाँ का वीडियोस नहीं. जिस वाली में गाइड आपको कहाँ का फोटो खींचनी चाहिए. तेज बोलना थोड़ी. मैं कह रही हूँ ये गाइड कर रही है हमको कि हमें कहाँ का फोटो खींचनी. सही बात है. ये देखो फोटो खींचो, इधर देखो. वी आर एट कैफे कॉफी डे. इनको नीचे उतरते ही पहले कुछ खाना पीना है तो ये पहले एक सीसीडी रुक गए हैं कॉफी पीने के लिए. कोल्ड कॉफी भी नहीं है तुमने? यस जी. इनको कैफीन चाहिए, कैफीन एनर्जी के लिए. तो पहले हम कॉफी पियेंगे, देखते हैं कौन सी कॉफी, कौन सी कॉफी. आई लव कॉफी. फाइनली वी हैव ऑर्डर्ड क्लासिक कोल्ड कॉफीज. हमें ज्यादा वो कोड़ी कोड़ी कड़वी वाली कॉफी नहीं पीनी तो हमने ऑर्डर कर लिया. ये जब जी ने लिया है. जब जी बैठे हैं. कोल्ड कॉफी आप पहली बार पी रहे हो सीसीडी में? सीसीडी में सीसीडी पहली बार आए हो आप? ये हमारी संस्कारी माएं जो आज बिल्कुल निकली हैं मॉडर्न माएं बनके. थोड़ा बहुत ज्यादा. कौन सी वाली थी ये? सिग्नेचर कोल्ड कॉफी, बहुत टेस्टी है सीसीडी की. अरे पियो, वहाँ पियो.
गाइस हम पहुंच गए हैं और हम रिक्शे में आए हैं। सिर्फ दो कदम चलना था और रिक्शे में लेकर आए हैं हमें। तो पहुंच गए हम, लेंगे अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स, लूंगी अभी यहाँ से तो दीवार ही आ गई भाई, एंटर करेंगे फिर आपसे मिलेंगे। फोन ही नहीं अलाउड यहाँ, जमा करा कर जाना पड़ेगा, दिक्कत हो गई। मैंने सोचा था छुपके बना लूंगी पर नहीं बना पाऊंगी। मम्मी फिर लेट्स सी, अब हम जो और कुछ करेंगे दिखा देंगे आपको, अभी फिलहाल अंदर का कुछ नहीं दिखा सकते, सॉरी आपको यहीं विजिट करना पड़ेगा। सो गाइज अंदर तो अलाउड है नहीं ले जाने गैजेट्स और पर्सेस वगैरह, तो हम यही ऐसे ही, हाँ हम टिकट्स ले रहे हैं, कोई नहीं। ये रहा, बाहर से ही देख लो गाइज बहुत प्रिटी है, अंदर से कैसा प्रिटी होगा। अगर हमें लगेगा हम अपने बैग लेके जा सकते हैं तो आपको जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, ये कह रहे बैग में है, हमारे बैग में सीक्रेट कैमरा, कहाँ से लाओगे सीक्रेट कैमरा? कहाँ करें हम बाहर आके आपको रिव्यू देंगे और हम आपका टाइमिंग लोकेशन वगैरह सब बनाएंगे, आपको जरूर लास्ट शेयर करें। बाकी देखने से बहुत प्यारा लग रहा है, यस अंदर से बहुत प्रिटी है, मैंने सुना है, देखा भी है पिक्चर्स को। ये बहुत कैमरा शाय है, पता नहीं क्यों नहीं आते, वो पानी लेने गई है। हम टिकट्स लेने चलते हैं, चलो टिकट। ये फॉर्म मिला है भाई, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं आज। 30 कितना गर्म है, 38 कौन सा महीना चल रहा है? अरे मार्च खत्म हो रहा है ब्रो। क्या हो गया, गर्म है यार ये बहुत। हाँ हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सब्जी क्या कंफ्यूज्ड हो? एक सेकंड कहाँ घूम रहे हो? ये भूल भुलैया कहते हैं, बुकेड़ी भूल भुलैया चले आए हो, वहाँ से रास्ता वो रहा। कहीं पे भी घूम ही जा रहे हैं, कहीं पे भी। और ये फॉर्म फिल हो रहा है हमारे शायद गैजेट्स डिपॉजिट करने के लिए या टिकट्स पे, आई डोंट नो। नो एंट्री, नॉट अलाउड, ये सारी चीजें यहाँ पे नॉट अलाउड है, तो ये देख के चलना यहाँ पे जब भी आओ। मेरे ख्याल से इसकी कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है, टिकट्स हैं? हाँ टिकट्स हैं, नॉर्मली होगी, मुझे नहीं लगता ज्यादा महंगी वहंगी हो। मानी ने दो पर्स पकड़ लिया, हमारे पर्स हो जाने डिपॉजिट और इसमें हमारे फोन्स वगैरह भी हैं, तो इनको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कैश पड़ा है। जो मिनी वॉलेट्स होते हैं वो अलाउड हैं सिर्फ, बाकी बड़े बैग्स और गैजेट्स कोई भी अलाउड नहीं है। तो अभी ये जा रही है फाइनली सबमिट करना है, अरे डिपॉजिट हो जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या लास्ट टाइम फोन का पूछ लेती कि प्लीज? हाँ फोन का एक बार ही पता कर लेना ना, लास्ट में एक बार लास्ट होप देखते हैं, पूछ लेते हैं कि फोन अलाउड कर दो, एक फोन तो अलाउड करो एटलीस्ट। तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बैड लक। वैसे है नहीं अलाउड यहाँ पे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है गैजेट्स इलेक्ट्रिक। जी हो गया, जी हो गया, हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं तो जा रहे हैं फाइनली, बाय बाय, बाद में मिलेंगे आपसे। हम लोग आ चुके हैं बाहर, हमारा फोन ही अलाउड नहीं था। ये फोटो खींच रही है और मैं इसके सामने कैमरा लेके खड़ी होगी। ये रही सारे, कैसा लगा आप लोगों को? और अंदर मतलब काफी सारी हिस्टोरिकल चीजें तो हमें देखनी चाहिए, और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? ऑसम, आप जो दिल्ली में रहते हैं वो तो जरूर एक बार देख चुकी हूँ, लेकिन मेरा सेकंड एक्सपीरियंस भी बेस्ट, बहुत अच्छा था तुम्हारा। तेज बोल, इसमें आवाज नहीं जाएगी, जल्दी में फोटो खींचने के लिए बुला रही है। मुझे दुख इस चीज का है कि मैं अंदर वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, अगर होता तो मैं जरूर दिखाती। यहाँ पे शुरू से जब से ये खुला है, ओपन हुआ है या जो भी हुआ है, तब से ही गैजेट्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। और स्पेशली आप लोग यहाँ पे आके विजिट करो अक्षरधाम टेम्पल, कपड़े पहन के एंड एक्सपोजिंग ड्रेसेस मत पहन कर रहो गाइस, लाइक आपको वो कुछ गमछी पहना दी। हाँ मेरे को धोती पहना दी थी उन्होंने, एक्चुअली स्कर्ट्स वहाँ पर अलाउड नहीं होती, शॉर्ट नीज के ऊपर वाली ड्रेसेस अलाउड नहीं है, तो मैंने नीज के ऊपर ही पहन रखी थी।
तो वो अलाउड नहीं थी, तो उन्होंने कपड़ा सा दे दिया था बांधने के लिए। ये देखो यहाँ पे भी फोटोशूट, मतलब सड़क पे कहीं पे भी खड़े होकर इनको फोटोशूट करना ही करना है। कोई भी ऐसी जगह सही बात है, इतनी अच्छी अच्छी मतलब साइटिंग थी ना वहाँ पे, मतलब बहुत ही प्यारा। चलो लेट्स गो, अब पहले मेट्रो में चलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। क्या कह रहे हो? मेट्रो चलो चलो। क्या कह रहे हो? घर जाना है? नहीं जाना है, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। आठ हो गए हैं। आपने कल घूमने निकल जाना अमृतसर, तो आप हमें भगाई जा रहे हो घर। और क्या, चलो धीरे धीरे, चलो मैं ठूकी ना जाऊं, चलो मिलते हैं घर जा करी। तो गाइस घर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, और मैं आपको एक बता दूं कि वो बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्रिटी जगह है। बाहर से वो इतनी सुंदर है, कैमरे में उसकी जो खूबसूरती है वो कैप्चर नहीं हो पाई, मतलब प्रॉपरली, मतलब इतना नहीं लग रहा होगा, बट रियलिटी में वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अंदर का शूट बिल्कुल भी नहीं करने दिया, फॉर दैट आई एम सो सॉरी, क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था, हमारे फ़ोन लॉकर में जमा हो गए थे। और बहुत प्रिटी चीज़ है, मंडे ऑफ होता है, मतलब मंडे को बंद होता है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं बता रही थी आपको कि वो मंडे बंद होता है, ट्यूजडे टू संडे होता है, और उसकी एंट्री 6:30 तक होती है। वैसे तो 8:00 तक होता है, बट उसकी एंट्री 6:30 तक होती है। और सो गाइज अपने एक्सपोजिंग कपड़े ना पहने, जैसे कि मैंने ये पहन रखा है, तो इतनी भी अगर पहनी होगी तो वो आपको एक गमछा सा दे देंगे, मतलब कपड़ा सा वो पूरा बांध देंगे, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है और मुझे नहीं पता था। अगर आप जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सो अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, हमारी शक्ल ही बता रही है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। मैं भी थोड़ा व्लॉग कर लूँ। बहुत अच्छी जगह थी, मुझे बहुत ज़्यादा, तभी तो इतनी देर लग गई है तुम्हें आने में। पता है अंदर इतनी अच्छी अच्छी, मतलब मैं तुम सामने से देख रहे थे, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, वाटर वगैरह कुछ वाटर शो था वहाँ पे, मतलब वो टेम्पल है, लेकिन अंदर कैमरा तो नहीं अलाउड। नहीं, कैमरा इसलिए नहीं अलाउड क्योंकि वो इतना अच्छा बना हुआ है अंदर से कि लोग अगर उसको कैमरे में ही कॉपी करते रह जाएंगे अगर उनके पास फोन होगा तो, इसलिए उन्होंने फोन बिल्कुल ही मना कर रखे हैं। अगर हमारे जैसे तुम्हें बताइए कोई अच्छी चीज देख रहे तो मिनट से पहले फोन ऑन हो जाता है, तो इसी वजह से उन्होंने कैमरा ही नहीं अलाउड रखा। और हाँ, वहाँ पे उनकी फोटोग्राफी है, अगर आपने करानी है तो उसके चार्जेस होते हैं अलग से। और हमने जो वाटर शो देखा या जो हमने मूवी वगैरह देखी या जो भी था सारा अंदर, तो वो सब हमने क्या कहते हैं टिकट ली थी वहाँ पे, 340 पर पर्सन होती है। अगर वो अबव 12 एज है, तो अगर 12 से कम है वो 210 की है, अगर सीनियर सिटीजन है तो और भी कम हो जाती है, अगर छोटे छोटे बच्चे टोडलर्स हैं तो फिर तो फ्री एंट्री उनकी। और फिर अब बहुत अच्छी जगह है, मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट वो बहुत लिटरली बहुत अच्छी जगह है। और 4 घंटे अंदर लाके हाँ, और मैंने ना लॉकर में फ़ोन रखने से पहले इसको टेक्स्ट कर दिया था, तुमने टेक्स्ट पढ़ा था कि भाई फ़ोन ना मिलेगा नहीं, तो जब मतलब कॉल मत करना, तो क्योंकि फ़ोन करते रहेंगे हम उठाएंगे है नहीं, ऐसी टेंशन हो जाए। तो अभी आज ना पापा कुकिंग कर रहे हैं, जरा मंदिर दिखा दे, हम बोल रहे हैं पापा हम कितने बजे पहुंचे हैं, बज रहे 10 बजने वाले हैं, और ये 10 बजे तक बाहर घूम रहे थे। हमारा इनको कुछ वो ही नहीं है कि बच्चे घर पे बैठे हैं, अपने मेरी मम्मी ने अपने हस्बैंड को वो करा रहे हैं, ये देखो यहाँ आज पापा कुकिंग कर रहे हैं, पापा जी आज पापा पनीर बना रहे हैं और मम्मी ड्यूटी, अभी मम्मी आई और मम्मी फुलके बनाने लग गए हैं, और बस so guys, तुमने तो मजे करे हैं, मेरे को तो घर बैठे बैठे मैं पूरा बोर ही हो गया था, तो चल लेता, मतलब तू भी चल लेता। हाँ तो लेके जा सकते थे, आंटियां जा रही हैं, तुम नहीं जाओगे? क्या करेगा दूसरी, बल्कि हाँ मेरे को जाना चाहिए था यार, मैं जिद भी नहीं करी, मैंने कहा सूरज कुंड, हम ये सब अब आपको दिखता ही रहेगा। हमने आपको एक चीज बतानी थी, वो भी हम आपको अंदर चल के बताते हैं, वो हम अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं,
हम जैसे आज हमने वीडियो बनाई है इन्होंने, मतलब जैसे हम ऐसा है कि पहले हम अपना लोकल दिल्ली एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी अच्छी जगहें लेकर जाएंगे आपको, और फिर देखेंगे कहीं बाहर जाना, जैसे हम महाराष्ट्र गए थे ऐसे ही, फिर लगता है अगर टूर लग गया बाबा ये ऐसे ऐसे व्लॉग दिखते रहेंगे, जैसे हमने आपको हमने सोचा है, एक्चुअली हमने सोचा है कि दिल्ली की ट्रैवल एक्सप्लोरिंग सीरीज निकाले, कि जो जो जगह मतलब कईयों ने नहीं देखी है, अगर देखी भी है मतलब कईयों ने नहीं देखी है, तो हम सारा कुछ एक्सप्लोर करें, एक तो हमें भी देखने को मिलेगा, और ये सीरीज को आपने प्यार देना, ये सीरीज आएंगी लेकिन थोड़ी जैसे आपने वेडिंग सीरीज को प्यार दिया था, और आपने मैंने देखा ये जो महाराष्ट्र ट्रेवल सीरीज दे देना उसको प्यार दिखाया, तो अगर नहीं देखी तो वो भी देख के आओ, और लाइक कमेंट शेयर भी करो, क्योंकि आप देख रहे हो मैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, थैंक्स, और ये बताया था हमारे 500 और थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर। तो विद दिस करते हैं व्लॉग को एंड, होप करते हैं अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, हम इतना ज्यादा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सीरियसली गाइस अब चाहिए, अब थोड़ा ना ऐसे हो गया कि हाँ अब मोटिवेशन की जरूरत है, अब हम ट्रैक पे चल रहे हैं, मतलब हमें ये है कि अब हम यूट्यूब भी नहीं छोड़ेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे, हमें कोई अर्निंग की कोई कुछ वो नहीं है, हमें ये है बस हमें आपका प्यार मिलना चाहिए, हमें अच्छा आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। अब तो आदत ही पड़ गई है, कैमरा कहीं पे भी जाओ कैमरा उठाने की आदत पड़ी। पहले मैं भी इतना शाय होता था क्या यार, और मेरे को कितने मेरे दोस्त ने बोला है कि आप नाते रहते, मैंने उनकी परवाह नहीं करी और मैं व्लॉग बनाता रहा, किसी की परवाह करोगे ना फिर तो तुम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बिल्कुल ये ट्रुथ है लाइफ का और रियलिटी है, फैक्ट है, बिना किसी देखे व्लॉग बनाते रहो, जैसा मर्जी बनाओ बस बनाओ, अच्छी सी एडिटिंग करो, क्वालिटी आपकी मैटर नहीं करती, मैटर आपका कंटेंट करता है, और सब कुछ समझदार हो गया, कंटेंट आपका मैटर करता है, हमारे पास तो ये फोन था, क्वालिटी हम नहीं देख रहे, हमने अपना कंटेंट इतना बेटर बनाने की सोच रहे हैं, हमारा जितना बेटर खोल सकते मेरे को एडिटिंग आती है, लेकिन हमारे स्टोरेज की इतनी दिक्कत आती है, वो तो बड़े बड़े होते हैं, इतनी लैपटॉप मैकबुक वगैरह उनके पास होते हैं, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, हम वैसे वैसे अपने थोड़े फैसिलिटीज को, आप इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमें मजा आ जाएगा और मोटिवेशन मिलेगी, टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ।